हेलो दोस्तों, बात कर रहे हैं वीडियो में टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड यानी कि TTML के शेयर के बारे में। दोस्तों, आज के दिन टाटा टेली सर्विसेज के अंदर लगना चाहिए था अपर सर्किट। अपर सर्किट क्यों लगना चाहिए था, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है सुपर ऐप, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पैसा केवल सुपर ऐप की वजह से ही लगाया था, और आज वो दिन है जब सुपर ऐप लॉन्च होने जा रही है। तो आज के दिन शेयर में डाउन ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है, क्यों ओपनिंग के बाद से ही हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ से बड़ी गिरावट हो सकती है, और अगर गिरावट हो सकती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा आगे की रणनीति रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आज आप NSE पर देखेंगे तो काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है। 14,41,612 शेयर आज सेल क्वान्टिटी में देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बाय क्वान्टिटी की भी बात की जाए तो 5,23,092 शेयर अभी के टाइम तक हमें बाय क्वांटिटी में भी देखने को मिलते हैं। तो बाइंग के हिसाब से सेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, और इसके पीछे मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न है कि आज के दिन एक इंतज़ार था लोगों को सुपर ऐप, और सुपर ऐप के इंतज़ार में ही हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते चले आ रहे थे। अब सुपर ऐप आज के दिन लॉन्च हो जाएगा तो आगे कंपनी में क्या होने वाला है, क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो हो सकता है लोग इसी वजह से यहाँ पर सेलिंग कर रहे हो, क्योंकि देखिए सुपर ऐप लॉन्च के बाद Q4 के रिजल्ट हैं, अगर नंबर्स अच्छे नहीं आते हैं तो बड़ी गिरावट भी हो सकती है, और इसी वजह से आज हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, TTML कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियली अभी अच्छी नहीं है, लेकिन हर एक क्वार्टर में अपने लॉस को रिकवर कर रही है। तो बहुत जल्द कंपनी अच्छे प्रॉफिट नंबर हमें जनरेट करती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही अगर बात करें, TTML को एक बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। अगर आप देखेंगे कि टाटा टेली बिजनेस सर्विसेज रिकग्नाइज्ड एज एंटरप्राइज सर्विस प्रोवाइडर ऑफ ईयर 2022 एट ET टेलीकॉम अवार्ड, तो बहुत बड़ा अवार्ड है। 2022 में एंटरप्राइज सर्विसेज प्रोवाइडर का यहाँ पर बहुत बड़ा खिताब कंपनी को मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में भी इसी तरह की अचीवमेंट को अचीव करती रहेगी, नए नए रिकॉर्ड्स कायम करेगी। तो आप लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो देखिए, इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, तो शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो TTML में अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होने वाला है। और रही बात शॉर्ट टर्म वालों के लिए, तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए केवल और केवल यही कहूँगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पैसा कमाने आए हैं, पैसा बनाने आए हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने में कोई भी गलत बात नहीं है, आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। गिरावट आपको आगे भी देखने को मिल सकती है TTML शेयर में, क्योंकि काफ़ी बड़ी यहाँ पर सर्किट हमें देखने को मिली। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में यहाँ पर 102% का रिटर्न शेयर ने बना कर दिया है, और इसके बाद अगर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है तो हो सकता है ये डाउन ट्रेंड अब हमें काफ़ी बड़ा भी देखने को मिले, या फिर जैसा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, अगर अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर बाय की जाती है तो हमें शेयर में अपर सर्किट भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म वाले हैं अगर आप, तो आपको अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिएगा, लेकिन एग्जिट मत होइएगा। कहने का मतलब ये कि अपनी कैपिटल निकाल लीजिए और बाकी का जो बचा पैसा है TTML में छोड़ दीजिए, आपको उन पैसों के ऊपर भी बहुत ही अच्छा रिटर्न ये शेयर बनाकर देने की ताकत रखता है। और लॉन्ग टर्म वाले आंख मूंद कर पड़े रहें, आपको ये शेयर इन फ्यूचर में 1,000+ या इससे भी ऊपर के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से TTML शेयर बेस्ट है, क्योंकि जिस शेयर ने पिछले 1 साल में मल्टीवैगर रिटर्न दिए हैं उसे बिल्कुल भी गलत नहीं कहा जा सकता। अगर आप देखेंगे कि अभी के टाइम पर भी यह शेयर 1 साल में 1,401% का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपका भी कोई सुझाव है बाइंग एंड सेलिंग को लेकर तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।